इसरदा बांध भारत के राजस्थान राज्य के टोंक व सवाई माधोपुर जिले में इसरदा गांव में बना बनास नदी के तट पर स्थित है। आज जो मैं मेरे पीछे ये देख रहे होंगे आप, ये इसरदा बांध। अगर आप इसरदा बांध आते हो तो टोंक जिले से लगभग कुछ ही दूरी पर एक बनेटा गांव है, जहां से यह लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर इसरदा बांध बनाया गया है। तो अगर आप इसरदा बांध देखने आते हो तो यहां का बहुत ही शानदार नज़ारा है। इसरदा बांध है जो राजस्थान के राज्य टोंक व सवाई माधोपुर की दोनों सीमाओं के बीच के तट पर बनाया गया है। इसरदा गाँव में बनास नदी के तट पर यह स्थित है इसरदा बांध। इसरदा बांध है बीसलपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर बनास नदी पर बनाया गया है। इसकी जो टर्न ओवर की पानी की क्षमता है वह 10.77 TMS की कुल क्षमता के साथ 3.5 TMC के उपयोग में पानी पीने के काम में लिया जाएगा। इससे हो आसपास के जो भी गांव है जैसे सवाई माधोपुर व दौसा जिले को इससे मिलने वाला लाभ, इसके जो ऊंचाई बनाई गई है बांध की वह 262 मीटर ऊंची, इसके अंदर जो गेट लगाए गए हैं वह लगभग 28 गेट इसके अंदर लगाए जाएंगे। इसरदा बांध है अगले साल जो जून के माह में बनकर तैयार होने की लगभग बात कही है हमारे। तो मैं आ गया हूँ इसरदा बांध पर। इसरदा बांध पर जो कार्य निर्माण है वह अभी चालू है इसका, और ये जो कार्य है ये अभी तक चालू पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो आप ये गोला सा देख रहे होंगे, यहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा यहाँ पर आए हुए इसका निरीक्षण करने। और यहाँ पर देख सकते हो भाटों से बनाई गई रपट बनाई जा रही है। यहाँ पर इस तरफ तो जो यहाँ पर एक तरफ से दीवार कर की जाएगी, और ये जो आप उधर की तरफ देख रहे हैं ये है इसरदा बांध जिसके 28 गेटों से ये बनाया जा रहा है। इसके लगभग 28 गेट यहाँ पर लगाए गए हैं। तो हम चलते हैं अंदर की ओर और आपको अंदर से भी दिखाएंगे इसके जो पूरी जानकारी वह आपको हम दिखाने वाले हैं। तो हम इसके तरफ चलते हैं। बांध इसरदा बांध के लगभग 28 गेट बनाए गए हैं, और अगर आप सवाई माधोपुर से इसरदा बांध आते हो तो ये लगभग आपको सिवाड़ में आना होगा। उससे सिवाड़ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक इसरदा गांव है, उससे 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर इसरदा बांध बनास नदी के तट पर बनाया गया है। अंदर से आप देख सकते हो किस तरीके से कार्य प्रकृति पर चल रहा है इसका। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई गई है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर जो आप दूसरी तरफ अगर आप जाना चाहते हो इससे, तो इधर की तरफ दोनों, एक तरफ तो इसरदा गांव है दूसरी तरफ बनेटा गांव यहां पर है। देख सकते हो हम आपको आगे चलकर अब अंदर की साइड में जा रहे हैं, उससे आपको वीडियो के माध्यम से चारों तरफ का जो नज़ारा है वो इस वीडियो में दिखा रहे हैं। देख सकते हो कितना शानदार वो अच्छे से कार्य यहाँ पर प्रकृति पर चल रहा है। जो इस इसरदा बांध का जो कार्य है वो लगभग 2017 से या 19 से इसका कार्य चालू है, और अब तक इसका कार्य निर्माण पूरा नहीं हुआ है, और अभी तक इसका कार्य निर्माण चालू है। आप इसके जो गेट बनाए गए हैं वह पूरे 28 गेट बनाए गए हैं इसके अंदर, और अभी तक इसके जो पूरे गेट हैं वह कंप्लीट नहीं हुए हैं।